प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत की है। हरियाणा के किस शहर में इस सुविधा को दिया जाएगा या इन 13 शहरों में से हरियाणा का कौन सा शहर है? तो हरियाणा का गुरुग्राम शहर है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हमारे यूथ के लिए, तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इस न्यूज़ का, या यूँ कहिएगा इस सर्विस का तो इंतज़ार कर ही रहा था। न्यूज़ का तो इतने दिन था, अब तो फिलहाल सर्विस का इंतज़ार है। 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड इनिशियली 1 GB या 1 GB पर सेकेंड जो है ना, 1 GBPS तक की स्पीड मिलने की संभावना है। गीगा बाइट तो ज़्यादा हो जाएगा, गीगा बिट पर सेकेंड तक स्पीड मिलने की पॉसिबिलिटी है। एयरटेल है, जियो है, इन्होंने इसकी लॉन्चिंग कर ही दी है, आपको शायद पता होगा। 1 से 4 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस हुई थी, 2022 का 6ठा संस्करण था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर, और इसी में जो है ना आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, और इसके अलावा सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्हीं के थ्रू न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और वहाँ पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया, और के साथ साथ वहाँ पे लगभग 362 वक्ता थे, 80 सेशंस हुए, 13,500 के आसपास पार्टिसिपेंट थे, और लगभग 150 के आसपास PSU कंपनी थी, 7,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी थे, 10,000 से ज़्यादा मंत्री, 10 केंद्रीय मंत्री थे, 17 राज्य मंत्री, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पे थे। इनके चलते हुए बहुत सारे मंत्रियों या और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनी, जैसे एग्जांपल से आप लोग एक जो सुनील भारती मित्तल CEO है एयरटेल के, ठीक है ना, भारतीय इंटरप्राइजेस के कहिएगा, आदित्य बिड़ला समूह के अक्षय कुमार मंगलम बिड़ला थे, ठीक है ना, जियो से भी थे, तो ये सारे जो कंपनी के अध्यक्ष सारे इनके साथ में इस 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। सही है, 13 शहर कौन से हैं? तो एक तो दिल्ली है, एक गुरुग्राम हरियाणा का, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, लखनऊ UP, बेंगलुरु कर्नाटक, चंडीगढ़ हो गया, अहमदाबाद गुजरात का, गांधीनगर गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना, जामनगर गुजरात के 13 भारतीय शहरों में 5G सेवाओं की चरण अभी शुरुआत कर चुके हैं, और 8 अक्टूबर 2022 से इसकी 5G सेवाएं दिल्ली, वाराणसी जो यूपी के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के 8 शहरों में जो है ना वो मिल भी चुकी है, मतलब स्टार्ट भी हो गया ये, और पूरे भारत में पैन इंडिया में मार्च 2024 तक ये पहुँच जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या स्टेट टू स्टेट। अलग अलग कंपनियों ने इसके बैंड खरीदे हैं, शायद आपको याद होगा, जैसे एक मैं बात करता हूँ ओवरऑल इनको चलो मिला दीजिएगा आप लोग, जैसे जियो की बात करते हैं आप लोग, तो जियो ने जो है ना लगभग 24.7 GHz के आसपास इसका बैंड खरीदा है। दूसरी आपकी कंपनी है एयरटेल है, उनके पास नियर अबाउट 19.8 GHz का एक बैंड है, ठीक है ना। तीसरी एक कंपनी है VI है, ठीक है ना, VI ने लगभग इसका खरीदा है 6.2 GHz का। एक अडानी नाम की कंपनी भी है, उसने 400 MHz का जो है ना बैंड खरीदा 212 करोड़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 5G दुनिया का सबसे बेस्ट टाइप का नेटवर्क है। सबसे पहले 5G नेट आया था साउथ कोरिया के अंदर, और उसकी टेस्टिंग की गई थी चाइना के बीजिंग के अंदर। तो 5G आपको सबको पता है कि ये 4G के बाद में आने वाला है। साउथ कोरिया के अंदर सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, पूरे ओवरऑल साल 2019 के अंदर इसको ऑफिशियली वो अपना चुके थे, ठीक है। ग्लोबल मोबाइल सप्लायर एसोसिएशन ने दुनिया भर में 5G डिवाइस लॉन्च करने के लिए एक पहला डेटाबेस ट्रैकिंग भी जारी की गई थी, और 6 मार्च 2020 को अब तक का सबसे पहला 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20 था, याद रखा, ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन था। आजकल तो खैर दुनिया भर के स्मार्टफोन आ ही गए हैं। मैं बात करता हूँ तो 1G टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये आई थी 1979 के अंदर, आई थी एक कंपनी है जिसका नाम है निप्पन, ठीक है ना, निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी है, जिसको NTT के बारे में जानते हो, ये जापान की कंपनी है। इसने 1979 या 1980 का दशक कहिएगा एनालॉग आवाज़ दी थी, मतलब केवल इसमें वॉइस था। सेकंड जनरेशन 1990 के दशक की शुरुआत हुई थी, 2G में थोड़ा डिजिटल था, मतलब CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की शुरुआत हो गई थी। 3G आई थी 2000 के दशक में, आई थी शुरुआती में, और 3G मोबाइल डेटा जैसे CDMA 2000 आ गए थे। 4G LTE आ गया साल 2010 के अंदर इस, और मोबाइल ब्रॉडबैंड